चांद धरती पर क्यों नहीं गिरता। गैस आपने कभी सोचा होगा, और गैस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि कैसे नहीं गिरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस चांद दरअसल धरती पर गिर ही रहा है, पर उसकी गति इतनी है जब तक चांद नीचे आए तब तक इतने आगे भी जा चुका होता है कि धरती की गोलाई के कारण उतनी ही ऊंचाई पर बना रहता है। इसे समझना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। गैस मान लीजिए कि आप एक ऊंची इमारत पर हैं। अब अगर आप छत पर से एक वस्तु नीचे गिरे तो क्या होगा? वस्तु नीचे गिर जाएगी सिंपली। लेकिन गैस अगर आप इसी वस्तु को आप दम लगाकर आगे की तरफ फेंकें तो क्या होगा? वस्तु थोड़ा आगे जाएगी और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेगी। बस अगर यही गति अगर बहुत ज़्यादा हो तो वह वस्तु धरती का चक्कर मारकर वापस जहाँ से आपने उसे फेंका था वहाँ आ जाएगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि न्यूटन का कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट कहता है। बस यही चांद और बाकी हर कुछ के साथ होता है। वे गिरते तो हैं पर सतह पर पहुंचते नहीं। चलिए गैस एक और आपको एग्जांपल देता हूं। गैस देखिए, अगर आपने कभी पत्थर को अपने धागे से बांधा होगा तो गैस अगर आप पत्थर को घुमाते हैं धागे से तो गैस अगर उसे धीरे घुमाते हैं तो गैस वो गिर जाता है। लेकिन गैस अगर आप उस पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तो गैस वो एक तरह से सिंपल तरीके से और बहुत स्पीड से अच्छे से घूमता है और वो गिरता भी नहीं है। तो गैस ऐसा ही हमारे चंद्रमा के साथ भी होता है। गैस चंद्रमा स्पीडली हमारी पृथ्वी को चक्कर मारता है, तो गैस ऐसे में वो गिर नहीं पाता। तो चलिए गिर नहीं पाता। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।